हमारे जो क्लाइंट हैं मुकेश गोयल जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनके लिए कुछ काफ़ी हार्ड वर्क भी करना पड़ रहा है हमें। जैसे आप देखते हैं साइड में जो आपका होल बना हुआ है, पिट होल बना हुआ है, उसके साइड से जो एक्सकेवेशन किया है हमने, वो साइड में मिट्टी लगाई है और उसके साइड में हमने ब्रिक वर्क किया ताकि मिट्टी दोबारा इसके अंदर जमे। इनका PCC का पैसा बताने के लिए हमने रोड़े कूटे हैं इसके अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रोड़े इनके पास है। अब ये देखिए, यहाँ पर भी हमने ब्रिक वर्क लगाया साथ में, ताकि जो पिट होल की मिट्टी है वो वापस इसके अंदर ना चली जाए। आपका ग्राउंड फ्लोर से यानी रोड लेवल से ही 5 फुट हाइट नीचे जाएगी इसकी आपके फुटिंग के लिए। ये देखिए कितनी सारी मिट्टी पहले से इसके अंदर है, तो एक्सकेवेशन करना बहुत टफ हो रहा है। हमने पहले एक लेबर को बुलाया था जो ठेके पर काम लेते हैं एक्सकेवेशन का, वो भाग गए हैं, तो हमने अपनी पर्सनल लेबर से मुकेश गोयल जी का काम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे क्लाइंट हैं जो आर्किटेक्ट हैं, उनको भी हम साइट विजिट डेली करवाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके बारे में बताऊँगा, हमारे जो क्लाइंट हैं आर्किटेक्ट सर। बात करते हैं, देखिए कितना आप इसमें देखिए मलबा है, इसमें चलने की भी जगह नहीं है, तो हम हार्ड वर्क पूरा कर रहे हैं, इनका काम जल्दी से जल्दी कर दी।